हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं कि खेती के बारे में बता रहे हैं आज हम। तो इसमें हम आज आपको जो हमारे टमाटर रहते हैं, टमाटर के पौधे के बारे में बता रहे हैं। तो पहले हमने सरी पाट ली है, इधर देखिए ऐसे लाइंस बना लिए हैं, फिर इधर ऊपर और उधर नीचे, वापस ऊपर नीचे, ऐसा हमने पूरा कर लिया है। फिर वो करने के बाद हमने इसके अंदर अच्छे से पानी जाने के लिए हमने ये जो पाइप दिख रहा है आपको, ये पाइप लगा दिया। और ये बीचों बीच है, देखिए पूरे बीच में, सबके बीच में है ये, बीच बीच सबके। और इधर देखिए, अभी हम आपको एक जगह लेके जा रहे हैं, इधर देखिए बीचों बीच एक पाइप है, पाइप दिख रहा होगा आपको। वो पाइप से कनेक्शन होता है यहाँ का, ये पाइप फिर वहाँ तक जाता है, फिर वहाँ से कनेक्शन होके फिर वहाँ तक जाता है। और अभी हम टोमेटो के रोप लगाने वाले हैं इसके अंदर। तो देखिए, अभी अगर हम ऐसा करें तो इससे हमारे जो टोमेटोज रहेंगे उसकी उत्पन्न ज़्यादा होगी। फिर हमने वो पाइप बिछा लिया है, बिछा लेने के बाद उसके ऊपर हमने मल्चिंग पेपर डाल दिया है। देखिए, हमने पूरी साइड से मल्चिंग पेपर डाल दिया है, देखिए। और फिर उसे हमने प्लेन होता है, देखिए ऐसा प्लेन होता है सब जगह, पर हमने एक उससे मीन्स आती है एक, उससे हमने होल कर दिया है सब जगह। देखिए सब जगह होल दिख रहे होंगे आपको। और ये टोमेटो है बोल के इसके अंदर टू टू वो करे हैं, होल्स करे हैं, पर अगर मिर्ची रही तो एक ही होल करना है। चलो अभी हम आपको मिर्ची का भी बताती है, चलिए हम मिर्ची के पास जाते हैं। अभी देखिए, अभी हम मिर्ची के पास आ गए। अभी हमने उधर तो टोमेटोज लगाने वाले और इधर मिर्ची। तो इधर मिर्ची में हमें क्या करना है, हमें वैसे ही करना है, सड़ी पान लेनी है। फिर उसके बाद में हमें पाइपलाइन बिछा लेनी है। देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ, ऐसा कनेक्शन लेते हैं पाइप से। देखिए उधर हाफ में पाइप है और हाफ पूरा है, और फिर ये पाइप सा लगा देते हैं। लगा देने के बाद बीचों बीच देखिए, अभी इसका कनेक्शन अभी ऊपर दिख रहा है तो आपको मैं बता रही हूँ, तो ये कनेक्शन आपको दिख जाएगा। तो हमें क्या करना है, वो पाइपलाइन बिछा देनी है, फिर उसके बाद हमें ये जो मल्चिंग पेपर है वो सब जगह डाल देना है। अभी उधर थोड़ा सा ही था ना, तो इधर चलते नहीं आएगा बल्कि हमने उधर थोड़ा सा ही लगाया है, वही का ये पूरा हमने डाल दिया है। देखिए अभी हमने इतना पूरा कर दिया है। उसके अंदर हमने टोमेटोज को क्या करा था, टोमेटोज को हमने टू होल्स करे थे। कितने होल्स करे थे, टू होल्स। पर अभी हम इसे वन होल क्यों करें, क्योंकि जो मिर्ची का पौधा होता है वो बड़ा होता है और उससे मिर्ची तोड़ना ही रहता है, तो उससे नहीं होता है टू होल्स करे तो उसकी जड़ें भी मजबूत होती। और होल उस तरफ बनाया है हमने क्योंकि वो जो पाइप है उसकी पाइपलाइन वो तरफ है। देखिए सब जो होल्स है वो तरफ है, मीन्स जैसे अभी राइट ने लेफ्ट हैंड में सब जो है होल्स लेफ्ट साइड में है। ओके, ये जो हमने मिर्चियाँ लगाई है वो एक एकड़ में लगाई है, ये जो हमने मिर्चियाँ लगाई है वो आधे एकड़ में लगाई है हमने। देखिए मिर्चियों के लिए हमने जो टोमेटोज लगाए थे वो देखिए हमने वन एकड़ में लगाए हैं। तो टोमेटोज हमने वन एकड़ में लगाए हैं और मिर्ची सिर्फ आधे एकड़ में लगाई है। देखिए अभी हमारे पास बावड़ी है बल्कि हमने वो बावड़ी से इधर से पानी जाता है, फिर वहाँ से कनेक्शन होके वहाँ पे आता है, फिर वहाँ से फिर देखिए वो पाइप, फिर वो पाइप में से उधर जाता है, उधर से फिर पूरे ऊपर भी और नीचे भी सब जगह पानी। मिर्ची भी अगर हम इसके अंदर लगाए तो हमारी जो उत्पन्न होगी वो ज़्यादा होगी। देखो कैसे, क्योंकि अभी हम ये लगा दे रहे हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ। ये जो होल है ना, इससे ऐसा होल करते हैं, ऐसा होल करने के बाद उसके अंदर अच्छे से होल करते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा ही बताई हूँ, वो होल करने के बाद उसे अच्छे से अंदर वो जो मिर्ची का पौधा होता है वो लगा देते हैं। और वो टमाटे जो रहते हैं वो भी, उसका भी जो टमाटे का पौधा रहता है वो भी उसके अंदर। और देखिए अभी हमने प्याज भी लगाया है, कांदा बोलते हैं, ऑनियन बोलते हैं, वो भी लगाया हमने। और ये पूरा हमने एक एकड़ में लगाया है, इससे अभी 1.5 महीने हो चुके हैं। देखिए इसके बीच बीच में हमने कोतम्बीर भी लगाई है, दिख रही होगी आपको, ये हमारे कांदे हैं। फिर देखिए अब ये मक्का बोलते हैं ना, कॉर्न, भुट्टा, आप सब खाते ही होंगे, तो वो भी लगाया है हमने। और देखिए इधर कोतम्बीर है, और इधर हमारी मेथी है, और इधर कांदे वापस आ गए, वहाँ पे भी हमने कांदा लगा दिया है। देखिए अभी हमने इधर मेथी भी लगाई है, छोटे छोटे हुए हैं अभी उसके, और बीच में और मेथी के साथ साथ अभी ये
ये भी है, उसके अंदर मेथी भी है, वो साइड मेथी है और ये साइड अभी क्या है आपको पता ही होगा, शेंगदाना बोलते, फली, फली भी है और इस बीच बीच में कोतम्बीर है और उधर कांदे हैं, इधर कॉर्न जो मैं बताई वो पूरा है, हमने थोड़ी सी वावर में लगाया है। ओके, अभी हम आपको पालक बताते हैं। पालक देखिए आपको दिख रही होगी, पालक की दाल बनती है, बहुत से चीज़ बनते हैं पालक के, आपको पता ही होगा, आप भी बनाते होंगे, पालक पनीर, पालक की दाल, पालक का घोटा, पालक के भजिए, पालक के वड़े, ये कोतम्बीर है और पालक के धपाटे और सब। अगर आपको कुछ रेसिपीज नहीं आती है इसमें से तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दे दिया जाएगा, आप उसके लिए हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे। और खेती के बारे में अगर आपको कुछ जानना है आगे का तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दे देंगे, उसमें से आप हमको कॉन्टैक्ट कर लीजिए। अभी हम आपको बता रहे हैं कि कोतम्बीर कैसे लिए जाए, तो चलिए अभी हम कोतम्बीर ले रहे हैं। कोतम्बीर के लिए अभी हमने चुन लिया है कौन सी कोतम्बीर हमें लेनी है, ऐसा हम कोतम्बीर पकड़ लेंगे, फिर उसकी जड़ें अच्छे से देख लेंगे, इसे अच्छे से लाइन से देख के फिर इसे अच्छे से उखाड़ देना है। देखिए कैसी उखड़ी है। ओके, और पालक को भी अभी ऐसे ही उखाड़ना है, ये देखना है आपको, पूरे जड़े देखना है, एक साथ लेना है, फिर उससे उखाड़ देना है, ये मट्टी तो आएगी तो इसे थोड़ा झटक देना है। ओके, झटकने के बाद ये पालक हो जाएगी आपकी। ओके, और मैं आपको एक चीज़ बताना ही भूल गई, आप जब भी कांदे लगाते हैं, मीन्स ऑनियन, प्याज लगाते हैं, तो आप बहुत अच्छे से लगाते हैं, आपकी जो मेहनत रहती है बहुत अच्छी करते हैं, आप अच्छे अच्छे दवाइयाँ डालते हैं, पर वो कभी कभी नहीं होता है, क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ तरह से उससे पोषण नहीं मिलता है। ओके, तो वो नहीं होता है, तो उससे क्या होते हैं, बीज उग जाते हैं, मीन्स उसके ऊपर फ्लावर्स आ जाते हैं आगे चल के। अभी और थोड़ा हम आगे जाने वाले हैं तो एक दूसरे का खेत है, उसके अंदर हम अभी आपको बताएंगे कि उन्होंने किया सब अच्छा, पर उन्होंने जो औषध बोलते हैं, दवाइयाँ जो रहती है वो ठीक नहीं डाली, ऑर्गेनिक नहीं डाली, वो मीन्स ऐसे क्या बोलते हो, गंदी दवाइयाँ डाले, मीन्स सस्ते दवाइयाँ डाले, अच्छे दवाइयाँ नहीं डाले, तो उनके कांदों को क्या हो गया है, फूल आ चुके। पर टचवुड कृपा करते हम कि हमने वैसा नहीं किया, बल्कि हमारे कांदे को एक फूल आया नहीं है, हमने ऑर्गेनिक डाला है, जैसे आपको पता ही होगा एक्टिवेटी, एक्टिव मैक्स, एक्टिव जाइम, ये हमारे मोदी केयर करते हैं हम, तो उसके अंदर हमको ये मिल जाता है, तो ये हम लाते हैं और वो महंगे में रहते हैं, पर अगर हम मोदी केयर में जुड़ रहे तो हमको वो कम में भी मिलता है, तो हम वो सब लेते हैं, बहुत अच्छी होती है हमारी उत्पन्न भी, हम जितना लगा, समझो एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, अगर हमने 5,000 लगाया तो उसके हमको 8,000 आएंगे, 9,000 आएंगे, 10,000 आएंगे, उसके डबल अपने को आता है। और हमने नीचे गन्ना भी लगाया है, शुगर केन आता है ना, तो वो हमने लगाया, उसे 1.5 महीना हो चुका है और उसकी ग्रोथ देखिए, ये हमने 1 एकड़ में लगाया है, देखिए उसकी ग्रोथ, देखिए कितना मस्त हुआ है। आपको वही बता रहे कि हम जो यूज़ करते हैं उससे हमारी खेती बहुत अच्छी होती है, कि कभी भी हम यूज़ करो पर हमारी खेती बहुत अच्छी होती है, तो आप भी अगर ट्राई करिए, हमें मैसेज करें, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, और फिर और देखिए अभी हमने उधर बताई थी वो फली, और इधर भी हमने फली लगाई है, शेंगदाने बोलते हैं, देखिए अभी वो कितने छोटे हैं, और ये फली हमने 1.5 एकड़ में लगाई है, और इसे लगा के हमें 15 दिन हो चुके हैं, देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी, क्योंकि हम एक्टिव मैक्स, एक्टिव जाइम, एक्टिव 80 यूज़ करते हैं बोल के। तो आप भी कांटेक्ट करिए हमें आगे के और वीडियोस के लिए भी कांटेक्ट करिए। देखिए ये आपको दिख रहा हुआ कांदा, ऑनियन, उधर कॉर्न है, और फिर इसके अंदर से मिर्ची लगाने वाले हैं, और उधर हमने फली लगाई है, उधर कांदा उसके नीचे, फिर वापस हमने भुई मूंग लगाई है उधर,
इधर हमने शुगर कैन लगाया, उधर अभी हमें टमाटर लगाना है। देखिए देखिए कैसे दिखता है वो, उसके झाड़ कितने मस्त होते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि कैसे फूल लगते, देखिए फूल दिख रहे सब, क्योंकि उन्होंने अच्छी खेती में औषधि नहीं डाले हैं। देखिए देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पाइप से ही फिर हमने ये देखिए एक छोटा सा आम का झाड़ लगाया है, उसे भी हमने कर दिया है, और इसे भी हमने लगा दिया है। ये किसका, केले का झाड़ है। देखिए इसे भी कैसा करा है, बॉर्डर करे केला ही।